Hello everyone, welcome back. Now let us solve one more organic problem. इनमें से कौन सा statement सही है? चलिए. So पहले बोलता है first statement में this compound is more basic than this. So obviously you can see ये जो loan pair है ये busy हैं. They are not free. Basic मतलब कौन अपने loan pair किसी को बाहर वाली species को आराम से दे सकता है? तो ये तो लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में घूम रहे हैं, स्ट्रक्चर को एरोमेटिक बना रहे हैं. दे आर बिजी, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन, तो ये किसी को नहीं दे सकता. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड की बात करें तो सेकंड में बोल रहा है कि दिस इज मोर बेसिक. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ और कोई हेट्रो एटम नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बींग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा. तो अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पर सिर्फ 60 यूनिट्स इलेक्ट्रॉन बचे. सपोज यहाँ 100 यूनिट्स हैं, सो कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा? ये बाद वाला ज़्यादा बेसिक होगा क्योंकि उसके पॉकेट में ज़्यादा पैसे हैं, तो किसी को भी आराम से दे सकता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया इनका. सो सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया है. तो ये गया, ये भी गया. अब थर्ड देखें, थर्ड में बोल रहा है दिस इज मोर बेसिक. ऑब्वियसली दिस विल बी मोर बेसिक क्योंकि CH3+ I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है. सो थर्ड इज करेक्ट और सेकंड गलत हो चुका है. तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा, बट फोर्थ को भी देख लेते हैं. सो दिस इज मोर बेसिक, ये बिल्कुल गलत बात है. क्यों? क्योंकि OCH3 जो है प्लस M से इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस I से लेगा. प्लस M से देगा, माइनस I से लेगा. अब मेटा का डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेटा दोनों में बराबर लगेगा. बट माइनस I देखिए, माइनस I डिस्टेंस के साथ कम होता है. सो यहाँ ये पास में है तो यहाँ ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से पुल कर लेगा. तो सपोज पहले नाइट्रोजन के पास 100 यूनिट इलेक्ट्रॉन थे, अब बचे 70. और यहाँ ये बहुत दूर है तो ये कम ही इलेक्ट्रॉन्स पुल कर पाएगा. पहले 100 थे, अब माइनस आई ने 10 पुल कर लिए तो अब बचे 80. सो किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बचे? इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये ज़्यादा बेसिक हुआ. सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. थैंक यू सो मच.